हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार सिंह आईपीटेक स्कूल से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस ऑनलाइन वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां आप सीखते हैं कंप्लीट एमआईएस रिपोर्ट ऑटोमेशन। तो हम टैबलो के पेन ड्राइव पे वर्क कर रहे हैं और टैबलो के पेन ड्राइव में हमने लास्ट वीडियोज में हमने आपके साथ एक फर्स्ट टैबलो डैशबोर्ड क्रिएट किया था। आपने भी अपने एंड से प्रैक्टिस किया होगा क्योंकि इस पेन ड्राइव में मैंने इसका डेटा भी स्टोर कर दिया था। तो आज जो है हम बात करेंगे डेटा के कैलकुलेशंस के ऊपर, क्योंकि हमें डैशबोर्ड्स को क्रिएट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारा डेटा क्या है, कैसे है। डेटा को ठीक ठाक करना, डेटा को कैलकुलेट वगैरह करना, डेटा को पहले प्रिपेयर कर लेना। जी हाँ, जब तक डेटा प्रिपेयर नहीं होगा तब तक आप टैबलो में डैशबोर्ड्स बनाएंगे तो काफी दिक्कत होगी। सो फर्स्ट हम डेटा को प्रिपेयर करेंगे। तो हम डेटा सोर्स, हमने लास्ट क्लास में बताया था कि डिफरेंट हम डेटा सोर्सेस को ऐड कर सकते हैं। जी हाँ, तो एक्सेल के थ्रू तो करना आपको सिखाया कि आप एक्सेल के थ्रू डेटा को ऐड कर सकते हैं। इसके बाद और क्या क्या है, चलिए इसको हम करते हैं। तो सबसे पहले हम इस फाइल को क्लोज कर देते हैं। यहां से मैं कनेक्शन से रिमूव क्लिक करता हूं। ये रिमूव नहीं होगा क्योंकि मैंने इस पे बहुत सारे ये चीज बना रखे हैं, तो मैं इसको बैक करता हूं, एग्जिट कर देता हूं। न्यू पे आ जाते हैं। सबसे अच्छा ओपन नहीं हो रहा, थोड़ा सा टाइम लेता है। नया हमने एक नया वर्कबुक को खोला हुआ है। अब इसमें हम डेटा सोर्स को, तो हमारे पास बाइट होल यहाँ पे देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, टेक्स्ट फाइल है, जेसन फाइल है, एक्सेस है, पीडीएफ है, आपका स्प्रिट फाइल है, स्टैटिकल फाइल है, या आप मोर पे क्लिक करते हैं तो इतने तरह के फाइल टाइप जो आप देख रहे हैं, जो फाइल टाइप है वो फाइल टाइप को यहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हैं। जी हाँ, ये सारे एक्सटेंशन जो आप देख पा रहे हैं सारे एक्सटेंशन को कर सकते हैं। तो चलिए वन बाय वन करते हैं। सबसे पहले हम एक्सेल था हमारा, तो हम एक्सेल के ऊपर आते हैं। एक्सेल में हम अपना फाइल को लेते हैं, लेकिन पहले भी लास्ट क्लास में समझाया था मैंने आपको कि जब भी एक्सेल फाइल को लोड करते हैं तो ध्यान रखिएगा कि जिस सीट को लोड करना चाहते हैं वो सीट पता होना चाहिए आपका डेटा किस सीट में है, और उस सीट को डेटा को ड्रैग करके यहाँ पे रखना पड़ेगा। जब आप इसको ड्रैग करके रखेंगे तो फिर ये आप इसका पूरा डेटा यहाँ दिख जाएगा। साथ में पहला कॉलम आपका हेडिंग होना चाहिए, लाइव देखिए डेटा फाइल से कनेक्टेड है। एक्सट्रैक्ट करेंगे तो उसको कॉपी कर लेगा, जैसे पीवट कॉपी करता है ऐसे कॉपी कर लेगा। अब देखिए यहाँ पे मैं इसको रिमूव कर पा रहा हूँ, क्यों रिमूव मैं यहाँ पे कर पा रहा हूँ क्योंकि मैंने इसको यूज किया नहीं अभी तक, मैंने तो मैंने इसको रिमूव कर दिया। अब यहाँ पे इसके अलावा हमारे पास आता है टेक्स्ट फाइल, तो मैं एक्सेल फाइल को पहले टेक्स्ट फाइल में कन्वर्ट कर लेता हूँ। मैं एक फाइल खोलता हूँ, इसी फाइल को मैंने क्या किया, इसी को मैंने यहाँ से कॉपी करता हूँ और नोटपैड में ओपन करता हूँ। नोटपैड मैंने पेस्ट कर दिया और इसको मैं सेव कर दिया। डेटा के नाम से डाउनलोड में सेव कर देता हूं। अब मैं टैबलो में अपना नोटपैड का डेटा इंपोर्ट कर रहा हूं। यहां मैंने इस पे टेक्स्ट फाइल और यहां हमने अपने डाउनलोड
ये रहा डेटा, हमने इस डेटा को सिलेक्ट किया एंड ओपन कर दिया। अब देखिए इसने ऑटोमेटिकली डेटा को रीड कर लिया और डेटा रीड करने के बाद आपको यहां पे दे दिया। अब यहां पे एक चीज देखा हमने, यहां पे इसको ड्रैग करना ना पड़ा, बट जब मैंने एक्सेल फाइल को कनेक्ट किया था तो हमको ड्रैग करना पड़ा था। क्यों? क्योंकि एक्सेल फाइल के अंदर में कई सारे शीट्स थे, तो टैब्लू बाय डिफॉल्ट किस सीट को रखता? अगर एक्सेल फाइल के अंदर में सिंगल सीट होता, जी हाँ सिंगल सीट होता, तो आपका बाय डिफॉल्ट यहां पे डेटा ड्रैग हो जाता, लेकिन सिंगल सीट नहीं था, कई सारे सीट था, इसलिए टैब्लू कंफ्यूज हुआ कि किस सीट को रखना है, इसलिए उसने किसी सीट को नहीं रखा और आपको चॉइस करने के लिए बोला। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसको चॉइस करते हैं। तो हमने डेटा को कनेक्ट करना सीखा टेक्स्ट फाइल में, यहां पे डॉन्ट शो करता हूं, क्लोज हो गया। अब वापस आता हूं डेटा पे, उसके बाद जेसन फाइल। अब मेरे पास जेसन फाइल तो नहीं है जो मैं आपको बता दूं, बट जेसन फाइल जावास्क्रिप्ट की जो फाइल होती है उसको यूज कर सकते हैं। हाँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस मेरे पास है, तो मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को कनेक्ट करता हूं, यहां पे ब्राउज करता हूं, डॉक्यूमेंट में माय एक्सेस का फाइल होना चाहिए, रहा डेटा फाइल, देन ओपन। उसके बाद अगर डेटाबेस का कोई पासवर्ड वगैरह है या कुछ और वर्कप्रूफ फाइल वगैरह है आप यहाँ पे कर सकते हैं, बट ये सब कुछ है नहीं, नॉर्मल एक्सेस फाइल है। तो मैंने सेलेक्ट किया और इसको ओपन कर लिया। अब इसमें भी कुछ नहीं पूछा क्यूरी वगैरह, क्योंकि इसमें इन्हीं एक टेबल है। अगर इसमें कई सारे क्यूरी वगैरह होते तो आपको यहाँ पे ऑप्शन आता, उस क्यूरी को यूज कर सकते थे, बट यहाँ पे कोई क्यूरी नहीं था। अब इसको भी आपने यहाँ अपने हिसाब से देख लिया, यूज कर सकते हैं। मैं इसको रिमूव करता हूँ एंड ऑल्सो क्लोज, इस फाइल को मैंने क्लोज कर दिया। अब वापस सोर्स पे आते हैं, अब बात करते हैं पीडीएफ फाइल की। जी हाँ पीडीएफ, हम लोग बहुत सारा टाइम क्या होता है आपने रिपोर्ट को पीडीएफ में करके भेज देते हैं। जी हाँ पीडीएफ, देखिए आपका डेटा नाम का, डेटा वन नाम का पीडीएफ है, तो इस पीडीएफ को मैंने यहां से ओपन किया। अब यहां पर पूछता है कि पीडीएफ में बहुत सारे पेजेज है, सिंगल पेज लेना है या एक पर्टिकुलर रेंज लेना है, एक से पांच तक लेना है या ओवरऑल लेना है। तो मैंने ऑल पे क्लिक कर दिया, तो ओवरऑल जितने भी सीट फाइल होंगे वो ले आएगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा दिक्कत है सर, कि एक पर पेज के हिसाब से डेटा को शो करता है। जैसे मैंने पेज वन डाला तो देखिए पेज वन का डेटा आपके सामने आ गया, और यहां पर देखिए क्वांटिटी को नल कर दिया क्योंकि क्वांटिटी को पढ़ नहीं पा रहा है। तो पीडीएफ में थोड़ा सा दिक्कत होता है। जी हाँ जैसे पेज वन हमने कर दिया, अब मैं यहाँ पे नीचे पेज टू भी कर देता हूं, तो यहां लेकिन इसमें रिलेशनशिप बोल रहा है, इसमें रिलेशनशिप बात कर रहा है, बट मुझे इसको यूनियन करना है। एक मेरा मैं इसको रिमूव करता हूं टेबल वन, ये ऑटोमेटिक डलते ही क्या हो जा रहा है, ये रिलेशनशिप बात कर रहा है। बट इसमें इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन तो है नहीं, मैं इसको कैंसिल करता हूँ, कैंसिल भी नहीं कर सकता, विदाउट रिलेशनशिप कर नहीं सकते। तो पीडीएफ में एक छोटा सा प्रॉब्लम होता है कि इन दोनों के बीच में फिर रिलेशनशिप क्रिएट करना पड़ता है। बट इस चीज के लिए हमारा पावर बीआई बहुत अच्छा है, क्योंकि पावर बीआई के अंदर में यूज फर्स्ट नेम सही है, इसमें यूनियन ऑप्शन नहीं है। कन्वर्ट इन यूनियन टू यूनियन, कन्वर्ट टू यूनियन नहीं आ रहा है। एक मैं इसको पेज को रिमूव करता हूँ, मैं यहाँ पे डेटा इंटरप्रेटर कन्वर्ट भी डेटा इंटरप्रेटर रिव्यू लिस्ट, हाँ इसने डेटा इंटरप्रेटर हमने कर दिया, तो कुछ बहुत सारे डेटा को इसने क्लीन कर दिया, बहुत सारे पेजेस थे क्लीन हो गया। अब देखिए अगर मैं
पेज वन टेबल वन में देखिए एफ वन आ गया, अब यहाँ पे हमारी एमआरपी भी आ गई और क्वांटिटी भी आ गई। जो पेज रीड नहीं कर पा रहा था उसको नहीं शो कर रहा था, बट अब पेज को रीड कर पा रहा है इसलिए यहाँ पे आ गया। अब जैसे दूसरे पेज को उठा कर रखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली हमें क्या बोलेगा, अब एक के नीचे एक के नीचे उसको मर्ज नहीं किया जा सकता, तो प्रॉब्लम यहाँ पे आ गया कि हाउ कैन मर्ज इट। क्योंकि दिक्कत यहाँ पे हो गई कि जब मैंने पीडीएफ डाला तो पीडीएफ को एक सही तरीके से नहीं ले पा रहा है। फिर मैंने कन्वर्ट इनटू यूनियन कर दिया पेज वन, यहाँ पे पेज टू, पेज थ्री, पेज फोर, पेज फाइव, फाइव पेज लेते हैं, हमने इसको सिलेक्ट मैनुअली, बी कार्ड भी ऑटोमेटिक हो सकता है लेकिन सिलेक्ट मैनुअली हमने कर दिया। ओके, बट ये जेंटली किया इसने, सही ढंग से नहीं आया सर, या तो लेकिन सही ढंग से नहीं आया। एडिट यूनियन में आता हूँ, दो पे लेता हूँ, नहीं यूनियन सही से हुआ नहीं सर, ये सही से यूनियन नहीं किया। कैसे होगा सही से पीडीएफ को हम सही से कैसे करेंगे, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है। लेकिन आप फिलहाल नोटपैड और बाकी चीजों पे काम प्रैक्टिस कीजिए, अगली वीडियोज में हम आपको एक्सेल के थ्रू पीडीएफ को कैसे कन्वर्ट करते हैं हम आपको अगली वीडियोज में बताएंगे सर। पीडीएफ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मुझे इसके लिए एक बार डेटा तैयार करना होगा, तो मैं वीडियो में तैयार करके अगली वीडियो में हम आपको ये चीज सॉल्व कर देंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा पीडीएफ करते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत होता है, लेकिन इसमें हम थोड़ी सी एक्सेल की मदद ले लें तो बेनिफिट रहेगा। अगली वीडियो में हम इस चीज के बारे में बताएंगे।